अगर हम प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक की बात करें कि हमें किस तरीके से ब्रश करना चाहिए, प्रॉपर टेक्निक क्या होती है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, ब्रश लेते हैं, पेस्ट लगाते हैं और ऐसे ऐसे करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। कभी भी ब्रश को इस तरीके से नहीं मूव करना चाहिए। इससे होता क्या है, जो जो हमारे मसूड़े हैं ये कटने शुरू हो जाते हैं और ब्रश करते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम आती है, उनके दांत इस तरीके से कटने शुरू हो जाते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो जहाँ हमारा मसूड़ा होता है और जहाँ से दांत हमारा शुरू होता है, इसको सर्वाइकल मार्जिन बोलते हैं। सर्वाइकल मार्जिन से दांत कटने शुरू हो जाते हैं। तो हमें हमें कभी भी इस तरीके से ब्रश कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें ब्रश सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपना ब्रश उठाना चाहिए। प्रॉपर ब्रश करने का तरीका जो है, ब्रश लेना चाहिए अपना, ब्रश को सबसे पहले गीला करना है पानी से। इसके बाद आपने टूथपेस्ट लगाना है इसमें। टूथपेस्ट लगाने का भी एक तरीका होता है, आप टूथपेस्ट कुछ इस तरीके से लेंगे। आप टूथपेस्ट को ऐसे नहीं रखेंगे, टूथपेस्ट को हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकल रख के स्क्वीज करना है, तो जो पेस्ट है आपका वो इस ब्रिसल्स के अंदर में चला जाए। आपने इस तरीके से नहीं करना है। इसके बाद अपने दांतों पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो आपके ऊपर के टीथ हैं उन पे इस तरीके से ना रख के हल्का सा 45 डिग्री एंगुलेशन पे यहाँ पे आपको इस तरीके से टिल्ट करना है ब्रश को, और आगे पीछे मूव करके ऊपर वाले दांतों की बात हम कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ को स्ट्रोक देना है। इससे होता क्या है कि जो अभी हमने डिस्कस किया था फ्री जिंजाइवा, 2 से 3 मिलीमीटर का जो फ्री जिंजाइवा होता है, यहाँ पर जो गंदगी फंसी होती है खाना चबाने की वजह से फंस जाती है, ये ब्रिसल्स जो होते हैं हमारे टूथब्रश के, इनके अंदर में जाके इनको रिमूव करके इस तरीके से जब हम स्ट्रोक देते हैं तो बाहर की तरफ जो निकल जाते हैं। ऐसे ही आपको नीचे वाले टीथ की सरफेस पे आपने 45 डिग्री एंगुलेशन पे ऐसे ना रख के हल्का सा टिल्टेड ये ब्रिसल्स इस फ्री जिंजाइवा के अंदर में एंटर कर जाए और फिर नीचे से ऊपर की तरफ को स्ट्रोक देना है। एक बार में हम दो दांतों की सरफेस लेंगे, दो दांतों को क्लीन करेंगे, ऐसे ही आगे की तरफ करते चले आएंगे। इस तरीके से ही हमें अंदर वाले सरफेस को क्लीन करना है, ऐसे ही ऊपर वाले दांतों के अंदर वाले सरफेस को क्लीन करना है। सॉफ्ट हैंड यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है इन पे इधर साइड में, क्योंकि हमारी स्मूथ सरफेस होती है और हल्का सा स्ट्रोक आप देंगे तो सारा फंसा हुआ खाना निकल जाएगा। कुछ लोग रगड़ रगड़ के ब्रश करते हैं, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और जो हमारी ऊपर की सरफेस होती है जिसको हम ऑक्लूजल सरफेस कहते हैं, जिससे हम खाना चबाते हैं, इस सरफेस पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के हमें ब्रश करना चाहिए इस तरीके से, जिससे इनके अंदर में जो छोटे छोटे गड्ढे और उभार होते हैं इनमें जो फंस जाता है खाना वो निकाला जा सके। और सबसे ज्यादा गंदे हमारे दांत आगे के नीचे के दांत जो होते हैं अंदर साइड से गंदे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूलिंग ऑफ सलाइवा, सलाइवा लार जो होती है हमारी ज्यादातर यहीं पे इकट्ठी होती है, और सबसे ज्यादा गंदगी हमारे इन दांतों में होती है, इस सरफेस को। आपको ऐसा भी नहीं है कि 4 से 5 मिनट ब्रश कर रहे हैं या फिर आधा मिनट में ही कंप्लीट कर लिया, आपको 2 से 3 मिनट देना है प्रॉपर। और ब्रश करने के बाद जो आपकी ब्रिसल्स वाली सरफेस है आपको टंग के ऊपर क्लीन करना है, और टंग क्लीनर आराम से हल्के हाथों से टंग क्लीनर से स्क्रेप कर देना है और नॉर्मल रिंस कर लेना है। वो ये प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक होती है।